आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ ये क्वेश्चन में हम लोग को दो स्टेटमेंट्स दिया गया है दोनों का वेरियस ट्रू फॉल्स कॉम्बिनेशन ऑप्शन में दिया गया है हम लोग को देखना है कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है ओके स्टेटमेंट वन इधर देखो क्या बोल रहे कि एक ऑर्गन पाइप है हम लोग के पास उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होने समय उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हैं बोलते हैं स्टेटमेंट वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप इंक्रीजेस इज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ओके स्टेटमेंट टू क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ये ये इससे थ्रू जो थ्रून पाइप से जो साउंड जा रहे हैं उसका लेंथ ऑफ पाइप बोल रहे हैं स्टेटमेंट टू तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इन एन ऑर्गेन पाइप इन एयर इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या है रूट ऑफ गामा इंटू पी डिवाइडेड बाई रो Hannah? सिंस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वी नो दैट हम लोग को क्या लिख सकते हैं पी का जगह हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी डिवाइडेड बाई वी एंड यह वॉलीम इन टू डेंसिटी करके मास हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ मॉल्स आके क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास बन जाएगा देफोर वी कैन राइट वी इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं आर टी गामा इन आ गामा इंटू आर टी डिडेड बाई मास ओके गामा rt आर डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास हम लोग को लिख सकते हैं फोर वेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वेन टेम्परेचर इंक्रीजेड वेलोसिटी इंक्रीज ओके टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा वेलोसिटी इंक्रीज़ होते हैं लेकिन हम लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज़ इक्वल टू तो क्या है वी डिवाइडेड बाई लामडा है वी डिवाइडेड बाई लामडा ओके इन द केस ऑफ एन ऑर्गेन पाइप हम लोग को पता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब होते हैं ये है सपोज़ मेरा ऑर्गेन पाइप एक एंड क्लोज रहेगा एंड ओपन रहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मतलब ऐसे कंडीशन होगा दैट इज़ लामडा डिवाइडेड बाई फोर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इधर क्या है दैट इज़ वी कैन राइट लामडा डिवाइडेड बाय फोर इज़ द लेंथ ऑफ द ऑर्गेन पाइप लामडा इज इक्वल टू फोर टाइम्स एल दे मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय फोर एल ओके वी का अगर वैल्यू में पुट करेगा इट इज इक्वल टू गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स एल ओके okay, तो हम लोग को बोला गया कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा बोल रहे ओके okay, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा लेकिन हम लोग को पता है कि जब इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज इंक्रीज़ होगा वैन टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस क्योंकि टेम्परेचर एक्सपेंशन लेकिन हम लोग को पता है कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू आल्फ़ा इंटू आल्फ़ा इंटू एक्चुअल लेंथ इन चेंज इन टेम्परेचर है ना ये आल्फा क्या है यह रेंज ट्रेज टू माइनस फाइव तो ये डेल्टा एल जो है सॉरी चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर क्या है इज वेरी इज़ वेरी लेस वो क्या है ग्रेजुअल है बहुत टाइम लेगा एक सिग्निफिकेंट चेंज इन लेंथ होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं देफोर हम लोग को बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं सिंस वेलोसिटी इंक्रीज मोर रैपिडली देन लेंथ क्योंकि लेंथ क्या है बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज़ होगा क्योंकि आल्फा का रेंज आते हैं टू माइनस फाइव पर डिग्री सेल्शियस देफोर वी कैन से दैट सिंस वेलोसिटी इंक्रीज मोर रैपिडली देन द लेंथ वी कैन से दैट फ्रीकुंसी इंक्रीज ओके क्या हो जाएगा ये भी इंक्रीज होते हैं लेकिन यह क्या है बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज है न्यू इंक्रीसेस सो हम लोग अगर देखेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस इज ट्रू क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द साउंड है दैट इज न्यूमरेटर जो है वो मोर रैपिडली इंक्रीज होते हैं डिनोमिनेटर से ओके okay, ये ट्रू है दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस क्लास स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टीजी मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर